हेलो स्टूडेंट्स अ वेरी वेरी वेलकम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो और आज सब सब लोगों का जब केमिस्ट्री का एग्जाम खत्म हो गया है जो क्लास ट्वेल्थ या फिर जो ड्रॉपर्स हैं जो वापस से इस साल बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज नाइन डेज ब्रेक विच इज देयर फॉर योर मैथ एग्जाम सो ये जो थिंकिंग बल्ब है ये हमें बात करने के लिए कंपेल कर रहा है आप लोगों से आप लोगों को सही गाइडेंस मिलनी बहुत जरूरी है एंड दैट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टूडे और और मेरा मानना है ये आप लोगों के लिए इस समय डेडिकेटेड फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो तो अच्छी बात थी वो आपने अच्छा टाइम स्पेंड कर आपको वहां सीखने को भी शायद मिला होगा बट आपने उस प्रोसेस में बहुत जगह पर गलत तरीके से अपना टाइम स्पेंड करा फॉर एग्जाम्पल लुकिंग एट वट वॉज दी स्टूडेंट आउटकम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को कैसा लगा पेपर उसकी वीडियोस देख देख के आपने बहुत ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करा प्लस वीडियोस ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या देखा एड मैथ स्ट्रिक्टी अगेंस्ट ऑल दिम इट्स नॉट टू से दैट इट इट इज इज नॉट गुड गुड बट फॉर दैट जॉनर ऑफ क्राउड वो किन बच्चों के लिए अच्छे जो सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं पर अगर आप कहीं ना कहीं जेई मेन्स क्रैक करना चाहते हैं देन ऑनेस्टली स्पीकिंग यूज आर वेस्टिंग योर टाइम इन वॉचिंग दो एक्सपेक्टेशन फिजिक्स का पेपर टफ आया आसान आया आपका टारगेट है इंजीनियर बनना आपका टारगेट है आई आई टी क्रैक करना पेपर अगर टफ भी आया है तो वो सबके लिए टफ है अगर उसमें आपके कुछ नंबर कम भी आए हैं चलेगा उससे आपका इंपैक्ट नहीं होता है लेट्स मूव फॉरवर्ड क्रिप करना बंद करो केमिस्ट्री का पेपर आज कैसा हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ अच्छा हुआ तो खुश होने की जरूरत नहीं है बुरा हुआ है तो बैड फील करने की जरूरत नहीं है

पर जो ये दस दिन है जो बच्चा इसमें भी लेवरेज ले गया जो इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करके ले गया दैट इज वेयर यू विल बीट क्राउड राइट सो दैट इज आई एम ट्राइंग टू से स्टॉप वेस्टिंग टाइम यू डोंट हैव टाइम प्लीज स्टॉप वेस्टिंग वॉचिंग अननेसेसरी वीडियो और इसमें वो भी वीडियोज आती है जो यूट्यूब पे शायद आप बोर्ड स्पेसिफिक देखेंगे सो so बोर्ड के लिए आपको पढ़ाई करनी है मैथ्स की बट सिर्फ उतनी ही वीडियोज देखो जहां एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है लगातार लाइव सेशन में बैठ के सिर्फ क्योंकि वो बोर्ड का क्लास है अटेंड करने से शायद आपका फायदा ना हो वो बात ध्यान में रखें अगेन आई एम सेइंग पीपल आर जस्ट फॉर बोर्ड इट माइट बी रियली रियली बेनिफिशियल फॉर देम बट पीपल हु नो दैट दे कैन बैलेंस बोर्ड बट देर मेन टारगेट इज जे मीन आपको समय बचाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है सो so, स्टॉक वेस्टिंग टाइम प्लानिंग फॉर बोर्ड वॉज द इनिशियल गोल की आप बहुत ज्यादा समय बोर्ड बोर्ड से और उसके वन मार्क क्वेश्चन का इज मैथ में आपको थ्योरी तो पूछने नहीं वाले होंगे और अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू फॉर जे में सो मेक श्योर आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने प्लान के मुताबिक पढ़ाई करें किसी और के प्लान के मुताबिक पढ़ाई ना करें टिकुलर क्लास ट्वेल्थ सिलेबसर चैप्टर इज वीक टारगेट दैट ठीक है उसे पढ़ाई करें और खुद से पढ़ाई करें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टडी ऑन योर ओन आप जितना काम खुद से एक घंटे में करेंगे वो प्रोडक्टिविटी आपको एक घंटे का लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर नहीं दे सकता है प्लीज ट्राई एंड एनालाइज दिस आप अभी तक शायद कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लाइव सेशन बैठ के देख चुके हैं अगर पेपर में कुछ भी नहीं आया तो आपको पता चल गया कि यार उन सेशन का कोई फायदा नहीं होता है। प्लस अगर आया भी है रिपीटेड हुआ है तो यह बात जरा ढंग से सोचो क्या अगर मैं वो चैप्टर खुद से पढ़ता तो क्या मेरे को खुद से वो क्वेश्चन पता नहीं चल जाता उसके लिए मैंने इतना टाइम स्पेंड करा ऑनलाइन बैठ के नेक्स्ट इज प्रिपेयर जेई मेन्स अलॉन्ग साइड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन स्टेटमेंट दैट वी आर गोइंग टू गिव यू दैट आप जेई मेन्स की तैयारी बोर्ड के साथ साथ ही कर सकते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो मैं मैंशन करना चाहूंगा कि आप साइड बाय साइड ही प्रीवियस ईयर सॉल्व करें जेई मेंस के सो so, जो चैप्टर्स क्लास के हैं आपके आप उन्हीं के साथ प्रीवियस ऑफ जेई मेंस बैठ बैठ के सॉल्व करना शुरू कर दो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो उससे आपका क्या होगा जेई मेंस की प्रिपरेशन चलती रहेगी और ऐसा भी नहीं होगा कि आप इररिलेवेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन यू वुड बी डूइंग प्लस एनसीईआरटी अगर आपको सॉल्व करनी है सॉल्व इन अ रिवर्स मैनर मतलब आप मिसलेनियस से उल्टा चलें राखी पहली एक्सरसाइज से चलें उससे अगेन दो पर्प सॉल्व होते हैं जेई मीन लेवल के हैं फॉर एग्जाम्पल वेक्टर थ्री डी तो वेक्टर थ्री डी एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बहुत ज्यादा वेटेज रखता है क्लास ट्वेल्थ में भी प्लस जो उसका लेवल है आपका एनसीआर टी में जो लेवल है स स्पेसिफिकली फॉर क्लास ट्वेल्थ तो अगर आप अपनी क्लास ट्वेल्थ इन नौ दिनों में अच्छे तरीके से कर लेते हो ना बिलीव मी सेन जस्ट फोकस ऑन क्लास इलेवें गुड इन योर जेई मीन एग्जाम ठीक है तो प्रीवियस इयर्स के ऊपर फोकस करना शुरू करो साइड बाय साइड तो कैसे पढ़ाई करनी है आपने फॉर एग्जांपल स्टार्ट करा वेक्टर थ्री तो वेक्टर थ्री के पहले जल्दी से आपने कॉन्सेप्ट वीडियोस देखे इफ यू वांट टू फाइंड वीडियोस शॉर्ट क्रिप्ट फॉर्मेट में वीडियोस आपको चाहिए प्लीज डाउनलोड दी मैथोन गो ऐप मैथोनगो ऐप के अंदर हमने टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स डाल रखे हैं अभी आपको क्या होता है चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं कि वन आवर नाइनटी मिनट्स क्योंकि हमारे भी अवेलेबल है यूट्यूब पे बट इफ यू डाउनलोड दी मैथोन गो ऐप आप वेक्टर थ्री में लाइन पढ़ना चाहते हैं आप प्लेन एंड प्लेन एंड लाइन इंटरसेक्शन पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक का वीडियो 10 मिनट का या 15 मिनट का जाके रिवाइज कर सकते हैं विच इज गोइंग टू हेल्प यू अर लॉट ओके सो दिस इज अबाउट प्रीवियस ईयर प्लस योर एनसीआर बट मेक श्योर दैट यू रियली रियली यूटिलाइज योर नाइन डेज प्लीज डू नॉट वॉच ए नेसेसरी वीडियो डू नॉट वेस्ट योर टाइम टू मच इन प्लानिंग दे आर नाइन डेज प्लानिंग इज वेरी सिंपल देट लेट्स आई हैव 15 चैप्टर्स इन क्लास 12. डिवाइड

comment box me likho aapko reply lega. so prepare according to the need that is very very important unnecessary videos unnecessary solving is not going to help ncrt miss previous year and cover your class 12 syllabus completely so that you can on 18th start preparing for your class 11th all right a big update to guys j007 a lot of you were waiting for it

इट्स अ डे ब्रेक, इट कि एक बीच में पांच दिन के बाद एक तीन घंटे का टेस्ट देना चाहो तो दे सकते हो उसे क्या होगा फ्लो बना रहेगा right. so, अब इस समय दस मिनट भी आपके लिए बहुत कीमती हैं कोई भी वीडियो पे ना स्पेंड करें चाहे वो मेरी ही क्यों ना हो बार बार रिपीट कर रहा हूं लुक गो एंड गेट टू वर्क दैट इज मोर इंपॉर्टेंट आज से अपने जो चैप्टर्स वीक हैं सबसे पहले उसे निकालें एनसीआरटी का इंडेक्स देखें हाँ जी मुझे वेक्टर थ्री नहीं आता तो सबसे पहले मैं अभी कल बैठ के या आज रात से वेक्टर थ्री डी करूंगा और कल तक खत्म करने का उसको टारगेट बनाऊंगा इस तरीके से खुद की प्लानिंग करके पेपर पे लिखें पेस्ट करें और काम करना शुरू कर दें देर इज नथिंग मोर दैट वी कैन डू एट दिस पॉइंट इन टाइम एक ही चीज कर सकते हैं हार्ड वर्क प्लट इफ यू डू एड स्मार्ट वर्क दैट इज वे बीटिंग कॉम्पिटिशन ऑल राइट गाइड सो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं दैट वॉट इज दिच यू फील इज गेटिंग you confused and we guys at mathango will come back and reply to you